कि गेस्ट कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। मेनली तुम्हारे ये होते हैं ना, बाकी सारे रिश्तेदारों को बुलाना होता है, और कुछ जो हमें पसंद नहीं होते हैं हम कहते हैं कौन कौन से गेस्ट जो है ना हमने नहीं बुलाने। उसके बाद थर्ड जो हमारा काम होता है, हम कहते हैं कि हमने अपने घर की सफाई किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर क्लीनिंग, यहाँ पर लिख देती हूँ, क्लीनिंग किस तरह से करनी है। क्लीनिंग को भी हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक क्लीनिंग जो है ना हम करते हैं वो कम्प्लेक्सिटी के लेवल पर हम करेंगे, मतलब कि हमारे फ्लोर की क्लीनिंग ना, घर के फर्श की क्लीनिंग हमने किस तरह से करनी है। और दूसरी क्लीनिंग जो होगी ना वो हम करते हैं कि हमने रूम फ्रेशनर जो है वो स्प्रे करना है, और किस तरह से हमारी एयर की जो क्लीनिंग है ना वो करनी है। ठीक है, ये चीज़। अब आपने स्टोरी सुन ली है, पहले हम देखते हैं कि हमने घर पर क्या बनाना है। तो आपकी जो है ना वो ये कह रही हैं, वो अपनी सजेशन दे रही हैं कि हमने क्या क्या बनाना। तो उन्होंने पहला तो सजेशन दिया कि हमें बारबेक्यूज़ बनाने चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें पाए बनाने चाहिए, ठीक है, और तीसरी वजह हर घर में मतलब दावत पे बनती है रोटी या फिर नान वगैरह, ये तीन चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे उसको कैसे फिक्स करना है, पहले जो है बारबेक्यूज़ बनाने हैं, तो उससे क्या आपके दिमाग में वो यानी कि क्या क्लिक देगा, बारबेक्यूरेट्स, ठीक है, बिल्कुल उसके जैसे ही है ना, बारबेक्यूज़ जैसा। तो बारबी ट्यूरेट्स, ये पहला हमारा क्या हो गया। दूसरी चीज़ में हमने कहा था पाई बनानी है, तो पाए से आएंगे पैरिसिडिन, ठीक है, पाए से क्या आ जाएंगे, पैरिसिडिन, बारबी क्यूब से आ जाएगा बारबी चुरेट्स। और उसके बाद जो रोटी या फिर नान वाला करना ना, तो वहाँ पे क्या हमारे पास आएगा, रोटी या फिर नान, ठीक है। तो ये आपने ई टेबल्स तो बना दिए, ये ई टेबल्स किसको इनहिबिट करेंगे, कम्प्लेक्स वन को, ठीक है। मज़े की स्टोरी है ना, मज़ा आ रहा है ना, कैसे हम इस स्टोरी से पूरे इनहिबिटर्स को कंप्लीट कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। कम्प्लेक्स वन में क्या, बारबिट्यूरेट्स, पाइरिसिडिन और रोटी नान या फिर रोटी नान, ठीक है, ये चीज़ें कम्प्लेक्स वन पे आ गई। अब हम आते हैं कम्प्लेक्स टू की तरफ। तो हमने कहा कि हमने कौन से गेस्ट को जो है ना वो नहीं बुलाना। एक तो यहाँ पे ना एक हमारे पास गेस्ट है, जैसे हम कहते हैं ना वो कार वाले अंकल हैं, ठीक है, जिनके पास कार है ना, हम कहते हैं कार वाले अंकल हैं। तो एक कार वाले अंकल को हमने नहीं बुलाना, वो कार चलाते हैं और साथ में ना हर वक्त बॉक्सिंग करते रहते हैं, इसलिए हमें वो पसंद नहीं है। तो कार बॉक्सिंग जो है ना, हमने कहा कि ये गेस्ट जो है ना हमने अपने घर पे नहीं बुलाने। और एक रीज़न ये भी है कि उनको क्यों नहीं बुलाना, क्योंकि उन अंकल को ये वाली ऑयली चीज़ें जो हम बना रहे हैं ना ये उनको पसंद ही नहीं है, और वो क्या हेल्दी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि मेलन खाते हैं, ठीक है, उनको मेलन पसंद है, तो वो मेलन को ईट के सेकेंड फॉर्म क्या होती है, एट, तो मेलोनेट, ठीक है, वो कारबॉक्सिंग अंकल जो है ना वो मेलन को ईट करते हैं, इस वजह से हम उसको नहीं बुला रहे, मतलब कि हम थ्रो देम फार अवे कर रहे हैं। तो ये आपको सेकेंड वाले के समझ आ गए, ये इनहिबिटर्स हैं सेकेंड के, कारबॉक्सिंग अंकल जो हैं वो मेलन खाते हैं मेलनेट, इसलिए थ्रो देम फार अवे, उनको तो बुलाना ही नहीं है। ये हमारी सेकेंड चीज़ कंप्लीट हो गई। कितनी आसानी से जो है ना आपको याद होने, पहले बारबिट्यूरेट्स, पाइरिसिडिन, रोटिनन, कितने मुश्किल नाम है, लेकिन अगर हम इस स्टोरी से याद करेंगे ना तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। उसके बाद कारबॉक्सिन अंकल जो है वो मेलानेट करते हैं, इसलिए थ्रो देम फार अवे TTF। ये तो मैसेज वर्डिंग में मैं तो यूज़ करती हूँ, तो अब आप आज से आप भी यूज़ करना शुरू कर दे, जो आपको पसंद है थ्रो देम फार अवे TTF, तो आपको एक ड्रग भी याद हो जाएगी साथ में, जो कम्प्लेक्स टू को यानी हमारे रेस्पिरेटरी चेन को इनहिबिट करती है। उसके बाद जो है ना क्लीनिंग करनी है, पहले फ्लोर की क्लीनिंग करनी है। तो एक जो है ना, अगर घर पे चूहे हैं तो हम कहेंगे कि एंटीमाइसिन मंगवा लें, एंटी का मतलब अगेंस्ट और माइसिन का मतलब चूहे, तो एंटीमाइसिन तो हमारे जो है ना घर पे होनी चाहिए, इसको हमने यूज़ करना है एंटीमाइसिन। और सेकंड जो है ना, ये फर्श पे जो होती हैं, जिस घर में ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बाल जगह जगह पड़े होते हैं, तो ये तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, BAL मतलब हेयर्स बाल, तो BAL नहीं होना चाहिए, और साथ में एंटीमाइसिन आपने मंगवा लेना है। तो ये चीज़ें किसको इनहिबिट करेंगी, कम्प्लेक्स थ्री को। तो हमें देखेंगे इनहिबिटर्स याद हो गए अच्छे तरीके से, ये स्टेप्स याद करने हैं, ईटेबल्स, गेस्ट किसको नहीं बुलाना, क्लीनिंग, सही हो गया। उसके बाद एयर की क्लीनिंग किस तरह से करनी है, सारी जो है ना मतलब कि वो चीज़ें जैसे जो फजूल सी गैसेज होती हैं जिनको हमें नहीं ज़रूरत, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये सारी गैसेज जो है ना आईडी पे एंड होती हैं, तो हम क्या हम चाहेंगे हमारे घर पे जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी फजूल सी गैस है, साइनाइड, और इसके अलावा सोडियम अजाइड NaN3, तो ये वाली गैसेज जो है ना हमें इन्हें अपने घर से जो है एंड करना चाहिए। तो ये कम्प्लेक्स फोर के इनहिबिटर हैं, ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें याद हो गई हैं।